दोस्तों नमस्कार है मेरे YouTube चैनल क्रिएटिव वर्ल्ड में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ स्काइप में आप कैसे माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट की यूज़ करके अपना स्काइप अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं मैं स्काइप ऐप डाउनलोड कर लिया हूँ। आपको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में कि स्काइप ऐप आप कैसे डाउनलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको साइन इन और क्रिएट लिखा है, तो साइन इन पे आप क्रिएट कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी आप अपना माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट क्रिएट कर चुके हैं। जिनको नहीं पता कैसे क्रिएट करना है वो मेरे पिछले वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, तभी ये वीडियो आपको समझ आएगी। तो देखिए यहाँ पे आपको मांग रहा है साइन इन टू कंटिन्यू विद स्काइप। तो यहाँ अपना अकाउंट देना है, जो अकाउंट आपने बनाया था उस अकाउंट को यहाँ दीजिए। मैं अपना अकाउंट देता हूँ जो मैं उस दिन बनाया था। ये बहुत ही इजी स्टेप है, इसीलिए घबराने की कोई बात नहीं। अब मैंने अपना अकाउंट देके नेक्स्ट पे क्लिक किया। अब जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपको अपना पासवर्ड मांगेगा, जो पासवर्ड आप उस दिन क्रिएट किए थे वो पासवर्ड आप दे दें। पासवर्ड देने के बाद यहाँ पर साइन इन पे क्लिक कीजिएगा। साइन इन पे जैसे क्लिक कीजिएगा आपका स्काइप अकाउंट पे लॉगिन हो चुका होगा। आप जो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट उस दिन खोले थे उस अकाउंट के मदद से आप स्काइप पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्काइप पे हम लोग लॉगिन कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं और देखिए स्काइप खुल चुका है। यहाँ से आप वीडियो कॉल चैट सब कुछ कर सकते हैं। स्काइप एक बेहतरीन वीडियो कॉन्फ्रेंस ऐप है जिसके हेल्प से आप वीडियो कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ये गूगल का एक प्रोडक्ट है इसीलिए बेहतरीन हो सकता होगा। तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक में क्लिक कर दीजिएगा। धन्यवाद।